हेलो नमस्कार। तो आज का वीडियो जो है हमारा प्लूमेरिया या चंपा की अपडेट कह लीजिए या थोड़ा सा जो अक्टूबर में वर्क करता हूँ मैं वो कह लीजिए। तो ये दो तो हमारे ऑलमोस्ट बोनसाइज हैं, काफ़ी मोटे हो गए हैं यार। मैं भी बताता हूँ पूरा इनके बारे में। उसके बाद अभी जो है ये पूरा फ्लावर बर्ड था, आपने देखा भी होगा चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो पड़े हैं, ये अभी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो नाउ इट्स टाइम, अक्टूबर का महीना है, बढ़िया धूप निकली हुई है, इनकी कटिंग करने का। उधर पीछे एक बर्ड निकला हुआ है केवल बस। तो इन दोनों की हम कटिंग करेंगे, इनकी थोड़ी गुड़ाई उड़ाई करेंगे और खाद पानी दिया जाएगा। खाद भी रखी हुई है, ये रखी हुई है, ठीक है। और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि मेरे पास और कौन से चंपा प्लूमेरिया के प्लांट हैं जो आई थिंक मिस कर गया था मैं, मैंने अपडेट नहीं दिया। मैं अप्रैल के महीने में गया था कहीं से, वहाँ से कटिंग लेकर आया हूँ, उसका भी दिखाता हूँ। चलिए तो पहले स्टार्ट करते हैं हम एक ओवरव्यू का मेरे जितने प्लूमेरिया हैं, उसके बाद हम इस पे एक्सरसाइज, इन दोनों पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाले तो आप लोग जानते ही हो, ये दोनों मेरे सफ़ेद हैं जो हैं, फ्रंगीपानी प्लूमेरिया चंपा जो भी आपको कहना है वह कह सकते हैं। और वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स निकलते हैं बड़े बड़े, ठीक है, बहुत ही शानदार स्मेल लेती है। इसके बाजू में जो रखे हुए हैं इनके पास चलते हैं थोड़ा सा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो दोनों में लगे हुए हैं, एक में तीन कटिंग लगी हुई है और एक में एक। अब ऐसा अगर आप खरीद के लाओगे तो इस टाइप से तो नहीं होगा, तो आप ये मतलब समझ जाओ यार, ये मैं कटिंग करके लाया हूँ। पैलेस ग्राउंड गया हुआ था मैं, यहाँ बेंगलोर में एक बढ़िया सी जगह है पैलेस ग्राउंड, वहाँ शादियाँ होती हैं और गए थे, तो उसी के ग्राउंड में, काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है भाई, पुराना एरिया है, सरकारी तो रहता ही है। वहाँ पे जो है काफ़ी सारे प्लूमेरिया के बहुत पुराने पेड़ लगे हुए हैं, कम से कम मुझे लगता है 100-100 साल पुराने होंगे, इतने ज़बरदस्त वो उनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो मैं उनकी पिक्स भी ले आया हूँ और रेफरेंस के लिए मैं यूज़ करूँगा अपने ये दोनों बोनसाइज पर, ठीक है। तो फिलहाल हम इनकी बात कर लेते हैं। ये दोनों वाइट कलर के हैं, लेकिन वाइट कलर क्लस्टर्ड, जो बहुत पास पास में छोटा सा फ्लावर रहता है। ये बाजू वाले जो हैं बड़े वाले फ्लावर्स हैं, इनकी अलग अलग पाँचों, लेकिन ये जो मैं लेकर आया हूँ और लेकर आया था, इनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी क्लस्टर्ड होती हैं और खुशबू वैसी आती है। तो मैं बहुत सारी ब्रांचेस ले आया था अपनी कार की, उसमें भर के सब नीचे पड़ी हुई थी इनफैक्ट, और ज़्यादा मेरे को तोड़ना कटिंग नहीं करना पड़ा। इन तब भी मैं अपने कार में हमेशा जो है वो एक आरी बड़ी सी हैंड सॉ वो रखता हूँ और कटर रखता हूँ। ये वाला कटर जो है ना, कहीं बाहर जाता हूँ लेकर जाता हूँ कि भाई कहीं कुछ भी मिल सकता है तो रेडी रहो। तो उसी सिलसिले में हमारे को ये मिल गया। एक तो मैं देखिए काफ़ी बड़ा सा है ये वाला, ये बहुत बड़ा है, और अभी जब मैं लाया था तो लीव्स थी, मैंने सारी हटा दी, अभी ना उसमें फिर से मस्त ग्रोथ ऊपर देखिए हो चुकी है, ठीक है। तो ये लग गया है, इसके बाजू में तीन रखे हुए हैं। तो कभी भी आप अगर कटिंग लाओ तो इस टाइप से लगाओ कि भाई 10 जैसे, मतलब 5 कटिंग लगा दी, ठीक है, 5 में से आप मान के चलो कि 2 या 3 लग जाएंगी। अगर आप सही से रूटिंग हार्मोन लगा रहे हो, सही से टेम्परेचर पानी सही है तो लग जाएगी। तो वैसे ही मेरे साथ भी हुआ, ये इसमें मैंने 4 लगाई थी, इसमें 3 लग गई हैं और एक ये सेपरेट लगाई थी क्योंकि ये बड़ा था, तो ये लग गई हैं। अब 1 साल के अंदर आप देखिएगा इनका, आज नोट कर लीजिए, इनका जो स्टेम स्ट्रक्चर है ना, और आज से 1 साल बाद स्टेम स्ट्रक्चर देखिएगा, उसमें जो है शेप आने लगेगा ट्री का, जैसे कि हमारे भाई साहब इधर आने लगे। इनका देखिए आप, इसमें नीचे से जो है ये मोटा होने लगा है, रिंग्स आने लगे हैं, और ये देखिए स्टेम भी इसका जो है, आप दरारे टाइप देख रहे होंगे, ये फटना स्टार्ट हो गया। तो ये एक स्ट्रक्चर, ये एक पहचान है कि ये एक ट्री जैसा आने स्टार्ट हो गया। जब मैं ये लाया था ना, तो इसकी ये जो ऊपर वाली ब्रांचेज हैं इनसे भी पतला था इसका स्टेम, मेरी मतलब आप समझ लो मेरी अंगूठे के बराबर ही होगा उस समय जब मैं लाया था। ये दोनों मैं अपने ऑफिस से काट कर लाया था, ठीक है, और ये वाले मैं लाया हूँ पैलेस ग्राउंड। और भी दिखाता हूँ, तो ये तो हो गया वाइट सेक्शन, ठीक है, दो मैंने दिखा दिया आपको वैरायटी, एक वाइट है जिसके की लीव्स
थोड़े ज़्यादा बड़े होते हैं, ये क्लस्टर्ड वाइट हैं, बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सॉरी पेटल्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे दूसरे सेक्शन प्लूमेरिया के पास। हाँ जी, तो पहुंच गए हम, टेरेस पर ही हैं लेकिन दूसरे सेक्शन में आ गए। ये जो प्लूमेरियाज हैं इनको देखो आप, थोड़ा सा आपको डिफरेंस लग रहा होगा, इनकी लीव जो है बहुत पॉइंटेड नहीं है, थोड़ी सी गोलाकार शेप में है, ऊपर से गोल है। ये डिफरेंट वैरायटी है। इसमें यहाँ पे दो छोटे छोटे पॉटिंग गमले जो होते हैं जिनको हम प्रोपोगेशन के लिए यूज़ करते हैं, काले वाले प्लास्टिक के, उनमें लगा रखा था और ये दोनों ही लग गए हैं। ठीक है, अभी करीब करीब इनको हो गया है 6 मंथ्स, अप्रैल मार्च में कभी मैं लेकर आया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि इनका वीडियो अपडेट नहीं कर पाए थे हम, अभी बता दे रहा हूँ लगने के बाद। तो इट्स वेरी इजी, आप डंडी लेकर आओ, लगा दो, लग जाते हैं। ठीक है, तो दो यहाँ पर लग गए हैं और एक और है वो भी दिखा देता हूँ। और ये है उसी वैरायटी का जो लीव्स जो मैंने आपको बताया ना, गोल लीव्स होते हैं, आगे से गोल है। ये इस तरफ जो रखे हुए हैं है ना, वो पीछे रखे हुए थे उधर और ये इधर, ये दोनों सबको मैंने, एक तो ना प्लूमेरिया को धूप चाहिए तो इसलिए टेरेस पर रखा हुआ, टेरेस पर ही लगेंगे ये। ठीक है, मैंने बालकनी में भी ट्राई किया था, करीब करीब 1.5 ईयर में बालकनी में रखा, जहाँ पर अच्छी धूप आती थी 3-4 घंटे की, लेकिन उसने कभी भी फ्लावर्स नहीं दिए। जब मैंने उसको टेरेस पर रखा तो उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हुई, अभी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग होती है। ठीक है, तो अभी ये गोल्डन रूल हो गया है कि प्लूमेरिया नीड्स सनशाइन, फुल डे सनशाइन, तो फुल डे सनशाइन में आप इसको रखिए। तो ये वाला एक लाया था मैं, तो उसमें लीव्स कुछ भी नहीं थे, अभी आप देखो मस्त एकदम लीव्स आ गए। ऊपर से उठा के दिखा देते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, इधर से बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, और पीछे भी एक इसका बड रेड एंड येलो मिक्स टाइप का है, वो उधर पीछे जो रखे थे वो भी है। तो मेरे पास रेड एंड येलो और वाइट, ये ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 3 टाइप के प्लूमेरिया हैं। ठीक है, और भी जैसे जैसे हमको मिलेंगे, मैंने अपने मेरे फ्रेंड हैं मोहित है, उसके यहाँ पर लगा हुआ है शेड, तो जब मेरे का और थोड़ा वो भी लेकर आ जाऊंगा। मेथड मैंने बता दिया, आप डंडी लेकर आओ, मस्त कोई सा भी रूटिंग हार्मोन, सिनेमन पाउडर, शहद, एलोवेरा जेल, घर में जो भी लगा हो, नहीं तो जो मैं पाउडर लगाता हूँ वो फास्ट रूट लगाकर इसको लगा दो, मस्त लग जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम आज के अपने काम पर, उसकी ट्रिमिंग प्रूनिंग एंड थोड़ी सी उसको खाद पानी देते हैं। चलिए, तो बैक टू अवर वर्क, हमने करना क्या है, इसकी कटिंग करते हैं दोनों की, जहाँ जहाँ इनके फ्लावर बड से, अब तो फ्लावर उगेंगे नहीं, तो वो हमारे को कट करके इनको बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला जो बड है अपना, इसी को उड़ाते हैं। पेपर कटर से भी कर सकते हो, मैं ये लेकर आ गया हूँ तो इसी से कर देता हूँ। थोड़ा सा ये दूध सा निकलेगा, ये दैट इज एक्सपेक्टेड। है ना, बाकी इस प्लांट में और कुछ कटिंग करनी नहीं है। ठीक है, बाकी यहाँ से पहले देखिए ग्रोथ हो रही है, ये अपने आप जो पुरानी लीव्स हैं अपने आप झड़ जाएंगी, और नए जो बड्स हैं वो अपने आप रीग्रो हो रहे हैं। अभी इसको हम साफ करके इसमें खाद पानी दे देंगे इसको। ठीक है, और इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, उस पर 2 बड्स हैं, उनको भी देख लेते हैं जरा कैसे हैंडल करना है। इसमें भी कुछ नहीं निकल रहा, अभी सब पूरा खत्म है, और यहाँ से पहले से ही एक निकल आया है, तो हम इसको भी फ्लश कट यहाँ से करते हैं। सिमिलरली इसका भी, अब इसमें केवल एक बचा है, तब भी मैं इसको उड़ा दूंगा। कनीति एक बार पास से देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्टेटस है। ये देखिए न्यू ग्रोथ जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, पीछे भी जहां भी फ्लावर बड था वो
यहाँ पे जब मैंने उड़ाया है, यहाँ से इसके बाजू में देखिए, यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। बाकी अब सारा का सारा कंसंट्रेशन प्लांट का रहेगा अपनी ग्रोथ पर, ठीक है, ना कि फ्लावर प्रोडक्शन पर। तो फ्लावर प्रोडक्शन हमने यहाँ से इस बार अब ख़त्म कर दिया है इस सीज़न के लिए, अब फरवरी में देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं खाद पानी, सो दैट ये अच्छे से अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दे, ठीक है। काफ़ी ऑलमोस्ट जड़ों से भरा हुआ है वो, इतना पतला होगा जब मैं लाया था ये। अभी देखिए कितना शानदार मोटा और रिंग्स भी आ रहा है, वेरी नाइस, और जड़ों से भरा हुआ है पूरा। तो आई थिंक हो सकता है नेक्स्ट फरवरी में हमको इसकी डीपॉटिंग भी करनी पड़ जाए। तो अभी फिलहाल खाद डाल देते हैं, चलिए वही नॉर्मल प्रोसेस। और जैसे मैंने बताया कि प्लूमेरिया को धूप चाहिए होती है, तो प्लूमेरिया धूप में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो आप अगर आप घर में प्लूमेरिया लगा रहे हैं तो ऐसी जगह चूज करिए कि जहाँ पर फुल डे सनलाइट आए। फुल डे सनलाइट आएगी तो आपका प्लांट भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर में रहेगा, और दूसरी बात कि जो है इसमें फ्लावर्स भी आएंगे। अदरवाइज प्लांट तो आपका बढ़ेगा लेकिन भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत अंदर घुसा घुसा के नहीं करना, ओके ओके, लेवल पे डेप्थ पे 3-4 inches पे कर सकते। सेम थिंग यहां पर भी, ये वाला तो पूरा का पूरा एकदम ऑलमोस्ट धूप से भरा हुआ है। इसकी हमको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी बहुत ही जल्दी, जैसे मैंने बताया फेब में इसकी रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। इसमें डाल देते हैं खाद, जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट। और थोड़ा सा मिट्टी मिक्स कर दें सो दैट सूख ना जाए, और पानी हम जो आज गीला है मिट्टी, पहले कल बारिश हुई थी तो, और एक दिन सुखा कर फिर हम इसमें पानी डालते हैं। बस तो यही काम हमने करना था, है ना, खाद डल गया, पानी डल गया, पानी मतलब डल जाएगा, और कटिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो वूंड जो है ओपन वूंड है, लेकिन इसमें जो इसका खुद से वो निकलता है, ये दूध टाइप जो निकलता है, ये अपने आप ही कवर कर लेता है वूंड को, और हमारे को फेविकोल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप, इसमें बहुत शानदार ग्रोथ हो रही होगी, और हम बसंत के मौसम में इसमें से फ्लावर्स भी ले पाएंगे। बाकी थोड़ी बहुत कंपोस्ट बची, मैं इनमें डाल देता हूँ, ठीक है। चले तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में पूरी और अच्छी
किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्रांड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मुझे किसी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।